भारत में आज आधी रात में दिवाली मन रही है। रोहित शर्मा की टीम ने वो सपना पूरा कर दिया जिसका 17 साल से पूरा होने का इंतजार था। साउथ अफ्रीका 177 का टारगेट आसानी से पूरा कर रही थी, लेकिन गेंदबाजों को यह कतई मंजूर नहीं था। साउथ अफ्रीका के हाथों से गेंदबाजों ने जीत छीन ली, जिसका उत्साह पूरे देश में मनाया गया। जैसे ही भारत की जीत हुई, वैसे ही गुजरात के वडोदरा शहर में भी वडोदरा के लोग सड़कों पर उतर पड़े। पुराने वडोदरा शहर में एक साथ सैकड़ों लोग जीत का जश्न मनाते हुए देखे गए। T20 वर्ल्ड कप अब इंडिया का है। इस जीत का हीरो कोई एक नहीं, पूरी इंडियन टीम है। सूर्य कुमार का वो कैच तो शायद दशकों तक याद रखा जाएगा, जिसकी बदौलत मिलर पैवेलियन लौट गए। टीम इंडिया ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। टीम ने 2017 में पहला वर्ल्ड कप जीता था। इसी के साथ भारतीय टीम ने ICC ट्रॉफी के 11 साल के सूखे को खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी ICC टूर्नामेंट 2013 में जीता था। बारबाडोस में स्टेडियम में इंडिया ने पहले बैटिंग चुनी थी। पावर प्ले में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार के विकेट गिर गए थे। वहीं कोहली ने 76 और अक्षर पटेल ने 47 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने तेज रफ्तार से 27 रन बनाकर स्कोर को 176 तक पहुंचाया। साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज और एनरिक नौतिया ने 2-2 विकेट लिए। वहीं रन चेस में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। एक वक्त पर साउथ अफ्रीका इस मैच में आसानी से जीत जाएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक किया और साउथ अफ्रीका के मुंह से भारतीय शेरों ने जीत छीन ली, जिसका उत्साह वडोदरा में जमकर मनाया गया। वडोदरा की हर सड़क पर भारतीय क्रिकेट फैंस का जमावड़ा देखने मिला। लोगों ने हाथों में तिरंगे के साथ नाचते झूमते हुए जीत के इस जश्न को जमकर सेलिब्रेट किया।